अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ोहा अफ़ज़ल, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हसनान एजुकेशनल कंसल्टेंट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्यूचर के डॉक्टर जिनका नाम है हमाद। इनसे पूछते हैं कि इनका MBBS में अब तक का सफर कैसा रहा और पूरा थ्रू आउट जो प्रोसेस हुआ उसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा हसनान एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमाद, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज़ अहमद रहमान, आई एम फ्रॉम सुबोधा एंड I did my FSC from Superior Group of Colleges, Rubota. I got 1067 marks in FSC and I scored 157 marks in my MBCAT. ठीक हो गया। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने MBBS की फील्ड ही क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि मोस्टली लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, तो आपने MBBS ही को क्यों सिलेक्ट किया? MBBS एक्चुअली मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक पैशन था मेरा बचपन से ही। मेरे बाबा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो एक्चुअली एक खुद डॉक्टर है, तो मैं भी चाहता पर्सनली मेरा यही था कि मैं डॉक्टर बनना है एंड ह्यूमैनिटी को सर्व करना था मैंने, तो ये अच्छा काम है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने कंट्री को सर्व करूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, आपका जो है ड्रीम है बहुत अच्छा है। बाकी आप मुझे ये बताएं कि आपने जो हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स है उसके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके थ्रू ये एक्चुअली जब मैं FSC कर रहा था तो एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे बताया कि ऐसे हैं हस वाले, तो इनके थ्रू मैंने फिर अप्लाई किया स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप मेरी लग गई, मैंने टेस्ट दिया इनका तो उसमें अच्छा स्कोर किया, फिर मेरी स्कॉलरशिप लगी एंड देन मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा टाइम गुजर रहा है। ठीक हो गया। जैसे भी आपने कहा है कि आपने टेस्ट दिया है, ठीक है, कौन सा टेस्ट दिया था आपने और कितनी परसेंट आपने स्कॉलरशिप अवेल कर ली थी? मैंने हेस वालों का ये होता है स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो ये डिफरेंट सिटीज में ना लेते हैं, तो वो मैंने दिया था, तो मैंने 50% स्कॉलरशिप अचीव की थी, तो मुझे इन्होंने फिर दी भी स्कॉलरशिप। ऐसे नहीं है कि मैंने फुल फी पे की हो या ऐसे कोई बात नहीं है, स्कॉलरशिप पे है उन्होंने। यानी कि हमारा ना सिर्फ MBBS में एडमिशन इनका हुआ है बल्कि इन्होंने 50% अपनी जो स्कॉलरशिप है वो भी अवेल किया है। ठीक है हमारा, मुझे ये बताएं कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, या ये आपने खुद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी या इसके अंदर इसमें भी आपकी जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने हेल्प किया है? एक्चुअली कंसल्टेंट ने हमारी हेल्प की है इसके अंदर भी, तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है चियांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये ना होंगचू सिटी है चियांग प्रोविंस में, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है जी, तो ये कंसल्टेंट के थ्रू करवाया, उन्होंने सेलेक्ट की थी, हेल्प की थी मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में, तो थैंक यू उनको कि उन्होंने ठीक। मुझे। तो यानी कि आप हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? जी फुली सेटिस्फाइड हूँ और थैंक यू कहता हूँ फिर अगेन, इन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया होगा। स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा जो मतलब क्लियर नहीं कर सके हैं MDCAT वगैरह और या मेरिट नहीं बनता उनका, तो जरूर विजिट करें एक बार, अगर आपको सही लगे तो जरूर मस्त ज्वाइन करें, क्योंकि MBBS हर बच्चे का ड्रीम होता है ना, तो बच्चों का जो ड्रीम है तो उसको पूरा करने के लिए हर किसी को कुछ करना पड़ता ठीक है। हो गया। यानी कि कहना चाह रही है जो बच्चे पाकिस्तान में अपना MDCAT क्लियर नहीं कर पाते उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू अपना चाइना में ये फॉर्म पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि आप चाइना जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ की जो लैंग्वेज है वो चाइनीज है, तो वो आप कैसे मतलब कैसे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट एक्चुअली इन्होंने हमारी ना फिजिकल क्लासेज अरेंज करवाई थी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है नंबर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमने चाइनीज लैंग्वेज लर्न किया अबाउट हाफ हाफ नहीं सॉरी एक ईयर कंप्लीट हमने स्टडी किया एंड देन उसका एग्जाम दिया BHS के हमने, तो उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, तो इस वे में हम वहाँ पे जाकर कम्युनिकेट कर लेंगे क्योंकि एबिलिटी इतनी है कि हम बोल सकते हैं ना चाइनीज, इन्होंने सिखाई है फिजिकल क्लासेज अरेंज करवाई, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहा स्टूडेंट्स का, कॉपरेट किया, तो इस काबिल हैं कि बोल सकते हैं चाइनीज। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स ने ना सिर्फ आपका MBBS में एडमिशन करवाया बल्कि साथ साथ आपको फिजिकल क्लासेस भी दे रही हैं जी, जो बिल्कुल ऐसे जो चाइनीज लैंग्वेज के आपको सारा मतलब भावना दे अरेंज रही है कि करवा किस के तरीके दिए से आपने वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। जी। ठीक हो गया, तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जी हमारा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू, यू अल्लाह सो मच, हाफिज। अल्लाह हाफिज।